बीएसपी के प्रतिनिधिमंडल यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और मुनकाद अली ने सीएए को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की है। तो राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात यहां पर की गई। मुलाकात के बाद सतीश चंद्र मिश्रा ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया है, पुलिस की कार्रवाई की वजह से लोगों का घर उजड़ गया, साथ ही हिंसा में मारे गए और घायलों को सरकार मुआवजा दे। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई हो तो बेहतर होगा। तो आपको बता दें कि बीएसपी प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात यहां पर की गई। तोड़फोड़ करने वालों को अक्षा ना जाए, यूपी के राज्यपाल से बीएसपी का प्रतिनिधिमंडल मिला, जहां उन्होंने मांग की कि जो यहां पर निर्दोष हैं उनके परिवार को मदद दी जाए। तो सीएए को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात के दौरान ज्ञापन बीएसपी प्रतिनिधिमंडल की तरफ से सौंपा गया। तो राज्यपाल को सतीश चंद्र मिश्रा ने ज्ञापन सौंपा है, तो कई निर्दोष लोग जेल भेजे गए। उन्होंने एक ज्ञापन हम लोगों के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदया को दिया, देने के लिए भेजा था। आज हम लोगों ने मिल करके उस ज्ञापन को उनको दिया। ये ज्ञापन है आपके सामने है। इसमें मुख्य डिमांड हम लोगों ने यही किया है कि जो सीएए को लेकर के, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के पूरे प्रदेश में, देश में आंदोलन था, प्रदेश में भी था, उसमें कई निर्दोष लोग जिनका कोई गलती नहीं थी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, कुछ लोग मर गए। और इसी बीच हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, बीएसपी के प्रतिनिधिमंडल ने यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, मुलाकात के दौरान सीएए को लेकर अपने लिए ज्ञापन सौंपा। बिल्कुल, बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती लगातार ट्वीट कर तो मामले को तूल पकड़ा रही थी और सीए के विरोध में बातें कर रही थी, और जो उग्र प्रदर्शन हुआ था उसमें जो घायल हुए थे या जिनकी मौतें हुई थी उनके खिलाफ बातें तो कर रही थी, लेकिन बीएसपी कहीं सामने नहीं आई थी। इसको लेकर आज पहली बार बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिला है, जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा भी शामिल थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो पहली बार बीएसपी की तरफ से प्रयास किया गया है या बीएसपी इस मामले में सामने आई है, राज्यपाल को मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, अपना ज्ञापन दिया है। तो तीनों पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो और कांग्रेस हो, तीनों ही पार्टियां सीए को लेकर विरोध कर रही हैं। लेकिन अगर इसमें बात की जाए कांग्रेस, तो कांग्रेस काफी आगे रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा सड़कों पर उतरी हैं, पीड़ितों के घर लगातार गई हैं, उसके बाद अखिलेश यादव लोगों के घर जा रहे हैं और समाजवादी प्रतिनिधिमंडल भी दौरा कर रहा है। लेकिन आज पहली बार बीएसपी के नेता और कार्यकर्ता राज्यपाल से मिलकर अपनी आपत्ति जताई। बिल्कुल नरेंद्र, जो ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया है बीएसपी प्रतिनिधिमंडल की तरफ से, इस ज्ञापन में क्या कुछ बातें जो है वो रखी गई हैं? क्या लगातार जो मायावती की तरफ से ट्वीट के जरिए हमला बोला जा रहा था और कहीं ना कहीं कार्रवाई की जो मांग है और जिन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा लिया उनका कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई करती नजर आए, तो क्या इस ज्ञापन के जरिए ये तमाम बातें? बिल्कुल, ज्ञापन के जरिए बीएसपी ने यही दावा किया, यही मांगे की है कि जो प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं या जिनकी मौतें हुई हैं उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जुर्माना लगाया जा रहा है, वसूली करने की नोटिस जारी किया गया है, इस पे जांच कराने की बात की है और निर्दोषों को तुरंत रिहा करने की बात की है। इस तरीके से देखा जाए तो सीए को लेकर जो प्रदर्शन हुए थे उसमें जो घायल हुए हैं या जो पीड़ित परिवार है उसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है और पुलिस की कार्रवाई पर विशेष रूप से उंगली उठाई गई है कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो बिना जांच पड़ताल के कर रही है, इसमें कई निर्दोष हैं, इनको भी पकड़ा गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रदर्शनकारियों के पक्ष में खड़ी होती हुई बीएसपी एक बार फिर दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये पहला मौका है कि राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन दिया गया है। बिल्कुल नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।